हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्ते। आज हम आपको ले जा रहे हैं एडिथ गैलरी डिजेनी। यहाँ पर बहुत सुंदर चित्र प्रदर्शनी लगी हुई है और चलिए आपको भी हम ले चलते हैं। देव चूड़ामणि जी 40 वर्ष पार कर चुके हैं इस क्षेत्र में, बहुत अनुभव ने कथा किया है। और आपकी जो शुरुआती दौर है, कैसे आपने ये जो जर्नी है कैसे आपने शुरू किया? मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट्स में डिग्री की, वहाँ पर पढ़ाई की और 1979 में वापस आया। तो मेरा पहला एम्बिशन था कि मैं एक चित्रकार बनूँगा। मैं अपनी जितने आर्टिस्टिक इंटेंशन है तो उसे पेंटिंग करने को मन कर रहा था और इसे प्रदर्शन करने के लिए मैं शुरू कर दिया। तो कैसे आपको, कहाँ से ये प्रेरणा मिली या किससे आप ये? तो जानते हो, जब भारत में वहाँ पर जब पढ़ाई करते थे तो वहाँ पर बहुत से चित्रकार हैं, सड़क पर भी, गार्डन में भी और चारों तरफ। जहाँ भी जाएंगे तो चारों तरफ, पंजाब में आप बोल रहे हैं? हाँ, मैं पंजाब में था। चंडीगढ़ जाएंगे या शिमला जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो चारों तरफ ये चित्रकार जो है दिखाई देता है। तो मैं भी एम्बिशियस हो गया कि मैं भी एक चित्रकार बनूंगा अपने देश में वापस आकर। तो ये सब करने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है और शुरू करने के लिए मटेरियल्स का ज़रूरी होता है। जब उस समय आप जब शुरू किया आपने तो बहुत कम कलाकार थे? हाँ, यहाँ मॉरिशस में MGI जो है, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट, उसका कोर्स ख़त्म नहीं हुआ था। कोई डिग्री वाला बाहर नहीं आए थे, बहुत कम आर्ट टीचर थे यहाँ मॉरिशस में और चित्रकार का उतना बोल नहीं था, बोलबाला नहीं था। क्योंकि ये स्कूल ही में पढ़ाई कम होता था। तो जब मैं आया तो कठिन समय था, यहाँ पर बहुत अनएम्प्लॉयड प्रॉब्लम था और काम मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। तो इस समय मैं अपनी पेंटिंग शुरू की। पेंटिंग करने के लिए मेरे जो फिलोसॉफिकल इंस्पिरेशन है, हमारे धर्म है, वेद हैं, महाभारत हैं, रामायण है, बुद्धिज़्म है, तो ये सब जो रिलीजियस बुक्स हैं इससे मुझे बहुत प्रेरणा मिला। तो मैं शुरू की अपनी इंटरप्रिटेशन पेंटिंग इस इंस्पिरेशन से, हमारे धर्म से। तो ये सब पेंटिंग वो रिलीजियस थे और ये सब जो है शुरुआती दौर में, ये शुरुआती, ये जो है ये पहला पेंटिंग जो देख रहे हैं, ये 1980 में रियलाइज की थी। ये हमारे धर्म के अनुसार कि जब हम हमारे मृत्यु होते हैं तो क्या होता है हमारे आत्मा को, तो मैं पेंटिंग में बताया कि लाइफ ऑफ द डेथ, जब मरते हैं तो हमारे एक आत्मा है वो निकल जाता है शरीर में से। तो वो निकल जाता है, हमारे धर्म के द्वारे हम सीखते हैं, जानते हैं कि यमराज आते हैं, हमारे आत्मा ले जाते हैं। तो ये हमारे जो ये पेंटिंग जो देख रहे हैं ये ऑयल पेंटिंग में है। तो एक आत्मा है, एक शरीर है, ये आत्मा निकल रहे हैं और ऊपर से यमराज तैयार हैं वो आत्मा लेने को। तो उस समय मैं शुरू की, ये फिलोसॉफिक था, स्पिरिचुअल था। तो जब समय बीतता गया तो काम मिलने का उम्मीद नहीं थे। तो उस समय मैं अपनी जो एक्सपीरियंस है, पर्सनल फीलिंग है, पर्सनल जो ट्रबल है वो पेंटिंग में उतारने लगा। तो उसमें ये पॉवर्टी, जितने प्रॉब्लम आते थे हमारे रास्ते में, तो मैं नहीं कह सकते थे आवाज़ से, तो वो सब पेंटिंग में उतार रहे थे। और ये 40 वर्ष पहले आपने ये पेंटिंग्स की है, लेकिन लग रहा है इसका हाँ, तो ये क्योंकि ये ऑयल पेंटिंग है। अच्छा, ऑयल पेंटिंग ईजी नहीं है, इसमें बहुत परिश्रम लगता है। इसे रियलाइज करने के लिए ऑयल द्वारा यूज़ करते हैं और उस ज़माने में जो है ये काफ़ी महंगे हुए करते थे ना जो। हाँ, यहाँ मॉरिशस में, हमारे देश में ये मटेरियल्स का बहुत स्केसिटी थे, क्योंकि आर्टिस्ट भी कम थे। तो उतने मार्केटिंग नहीं होता था। तो मैं भारत से अपने साथ कुछ मटेरियल लेकर आए थे, तो ऑयल पेंटिंग थे। तो उस समय सिर्फ ऑयल पेंटिंग का
यूज़ करते रहे थे। तो इस ये ऑयल पेंटिंग जब यूज़ करते हैं तो इसमें लिंसीड होता है, लिंसीड ऑयल वो मिलाते हैं, तो वो मिलाते हैं तो फ्लूइड हो जाता है। तो जब उतारते हैं ये कनवा में या बोट में तो बहुत शाइनी रहता है, और ये पेंटिंग जो है ये हमेशा रहता है, ये निकलता नहीं। इसे सूखने के लिए लगभग 2-3 हफ्ते लगता है। अच्छा। हाँ, तो ये देख रहे हैं, ये हम ये दो शरीर हैं, आत्मा है, दो आत्मा ये दिखाई दे रहे हैं आकाश में हमारे जो ऊपर नीले गगन पर। रात्रि में जब ऑब्जर्व करते हैं तो क्लाउड्स चारों पर दिखाई देते हैं, तो वो क्लाउड में दिख रहे हैं दो आत्मा। और उस तरफ देखेंगे तो एक टेम्पेस आ रहा है, ये टेम्पेस यानी कि ये सेपरेशन, सेपरेशन होते हैं। तो ये क्यों टेम्पेस है, यहाँ पर एक बहुत तूफान आया, तो ये जो पौधा है, पेड़ जो है, तो वो ज़मीन छोड़कर निकल रहे हैं और वो ये मौसम के कारण से वो फट रहे हैं। तो ये जो फीलिंग है ये मैं मुंह से नहीं बोल सकता है, तो ये कैनवा पर उतारते हैं। तो 1980 से 1990 तक मैं ऐसे ही पेंटिंग कर रहे थे, ऑयल पेंटिंग और फिलोसॉफिकल थे। तो ये 1980 से 1990 तक आपके जो तो इस समय ये कठिन समय था। उस समय नौकरी नहीं थे, काम नहीं थे, तो अपने आप इधर से उधर से कुछ ना कुछ करना पड़ता था। फिर 90 साल के बाद 90 साल जब मैं अध्यापक बना फाइन आर्ट्स में, तो कॉलेज मिला फ्लाकी में, डाउविन कॉलेज में, वहाँ पर अध्यापक, आर्ट का अध्यापक बना। तो उस समय कुछ मुझे हमारे दिमाग में, हमारे आत्मा में ये कुछ चेंज आया, परिवर्तन आया। तो इस समय हम जवान थे, उस समय तो उत्साह, हाँ, बहुत उत्साह थे करने के लिए। और एक तरफ मुझे नौकरी मिला, तो मैं अपनी पेंटिंग उस समय का अपना फीलिंग जो है वो एक्सप्रेस करने लगे। तो वो एक्सप्रेशन जो है तो वो चेंज हो गया, इधर ये नेगेटिव साइड से, फिलोसॉफिकल साइड से निकल कर ब्लॉसम में आ गया। अच्छा। ब्लॉसम में यानी कि हम कहते हैं गे, लवली, लाइवली। तो उस समय ये दूसरा डिकेड जो है, दूसरा डिकेड शुरू हुआ। और वहाँ पर जो चित्र है वो हम देखना चाहते हैं। यह कुछ अलग है इसका। हाँ, जैसे मैंने बताया शुरू में कि ये दूसरा डिकेड जो है 1990 से 2000 तक ये परिवर्तन आया हमारे पेंटिंग में, आपके जीवन में भी, हमारा जीवन में भी। तो लवली हो गया, लवली हो गया, और अपना शादी भी हो गया, और ये जो हमारे प्रकृति जो है ना, नेचर, इससे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला। मॉरिशस देश जो है बहुत हरियाली हैं, नीले हैं और फूले हैं, यहाँ पर बहुत से फूल होते हैं, पौधे होते हैं, ग्रीन किंगडम है। तो ये मुझे बहुत इंस्पिरेशन दिया, हमारे एनवायरनमेंट पर ध्यान देकर ये शुरू किया साल्वाडोरी के स्टाइल में, सियोरियलिस्ट। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे ये पेड़ जो हैं, एक फ्रूट ट्री है, पपाया। पपाया सभी लोग खाते हैं, ये बहुत हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो पपाया जो है वो ट्री जो होता है, उसे मैं ध्यान से ऑब्जर्व करने लगा। रोज़ हमारे आंगन में थे, तो मैं उसे रियलाइज किया सियोरियलिस्ट पर। तो ये देखिए, यहाँ पर एक ह्यूमन फॉर्म में है, ह्यूमन फॉर्म में आदमी के शरीर फेमिनिटी हैं। तो जो उसका ब्रिक्स और उसका लीव्स जो है ना, वो अलग टाइप का है। तो यहाँ पर भी ये पर्सनिफाई किया है, तो जो ऑडियंस हैं, जो लोग देखते हैं, तो उसे जो आर्टिस्ट हैं उसे साधारण दिखाई देगा। अच्छा, एक बात, जो हैप्पीनेस है,
ये अपने आप में है। जैसे आप शुरू किया था तो बहुत कम अनुभव भी था आपका, उतना अनुभव भी नहीं था और प्रकृति में भी उतनी वो नहीं था। नहीं, जब ये शुरू हुआ है दूसरे डिकेड में तो मैं अपनी माता पिता के घर से निकलकर दूसरे स्थान में गया तो वहाँ पर जो एनवायरनमेंट है, वहाँ पर नदी है, ये नदी है, पौधे हैं, फूल हैं और ग्रीन, तो ये सब मुझे बहुत इंस्पायर किया। तो उस एनवायरनमेंट के कारण मैं मेरे पेंटिंग में भी और मेरी लाइफ में भी बहुत परिवर्तन आया। तो ये जो है ये सब होता है मेडिटेशन से। जब देखेंगे तो मेडिटेट करेंगे, उस पर ध्यान लगाएंगे, तब ये जो माइंड है वो काम करता है। अगर साधारण सिर्फ देखकर कॉपी करेंगे तो वो तो कॉपी एंड पेस्ट हो जाता है। मैं जो आर्टिस्ट हैं वो अपनी उभव अनुभव से उसे पेश करता है, उसे पेंटिंग करते हैं, तो जो प्रदर्शन जो है वो देखेंगे तो अलग टाइप के दिखाई देगा। ये नेचुरल नहीं दिखेंगे, ये एब्स्ट्रैक्ट होता है, सेमी एब्स्ट्रैक्ट होता है। उसके पीछे बहुत क्रिएटिविटी होता है, क्रिएटिविटी। और ये जब पेंटिंग जब करते हैं तो बहुत ध्यान लगाना पड़ता है और ये शांति एक जगह होता होना चाहिए जहाँ पर आप शांति से वहाँ पर पेंट करेंगे, कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तब जाकर ये क्रिएटिविटी आता है। और जानते हो यहाँ पर मटेरियल्स भी कम थे और इस दूसरे डिकेड्स में यहाँ मॉरिशस में कुछ आर्टिस्ट यहाँ पर और जन्म लिए, तो यहाँ पर जो मटेरियल्स हैं भारत से आने लगा और चाइना से भी आने लगा, तो चारों तरफ मटेरियल का प्रदर्शन थे यहाँ पर, तो इजीली मिल जाता था, काम और आसान हो गया। आसान हो जाता। 2000 के बाद मैं ज़्यादातर फूल पर ध्यान दिया। हमारे मॉरिशस में जो फूल हैं बहुत तरह के फूल हैं, हमारे तो आइलैंड है, हमारा देसी जो है आइलैंड है, ट्रॉपिकल है, तो यहाँ पर स्पेशल फ्लावर्स होते हैं जैसे कि ओकिडे है और कैसे हेलिकोनिया है, पेंसडिकॉफ है, एबिस्किस हैं, ये सब जो थोकिशिया, ये सब जो फूल हैं ये सब ट्रॉपिकल हैं। तो इस पर मैं ज़्यादा मेडिटेशन करने लगा, ध्यान लगाने लगा। तो हमारे जो मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर मैंने कहा नदी है, तो वहाँ पर जो कमल का फूल है वहाँ पर दिखाई देने लगा। तो कमल का फूल बहुत सिंबॉलिक है हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में, बुद्धिस्ट धर्म में कमल का बहुत महत्व है। तो मुझे ये कमल के फूल से मुझे इंस्पिरेशन मिला, तो मैं कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक मैं बुद्धिज़्म पर ये लोटस फ्लावर जो है इसको लेकर बनाते गए, शिवाइल्स पर, बुद्धिस्ट पेंटिंग पर। अच्छा। जो ओकिडे है तो इसमें दिखेंगे बड़ा फूल दिख रहे हैं, लेकिन वो बड़ा नहीं है, छोटा सा ओकिड है। मैं उसको ध्यान लगाकर बड़ा करके उसे बनाया। तो उस समय एक विदेशी कलाकार हैं, कनाडा में रहती थी, जोजिया ओकिफी, तो मुझे उससे इंस्पिरेशन मिला। तो वो फूल जो है उसे मिक्स मीडिया में पेश करने लगा। तो मिक्स मीडिया जो कह रहे हैं वो उसमें बहुत से चीज़ मिलाते हैं, सिर्फ कलर नहीं होते हैं, उसमें कटन लगाते हैं, टिश्यू लगाते हैं, ये जो कभी कपड़े भी लगाते हैं, तो उसे मिलाकर उसे पेश करते हैं, पेस्ट ग्लू से, उसके बाद कलर लगाते हैं। तो ये ज़्यादा ये जो मिक्स मीडिया है ये एक्रिलिक में होता है, ऑयल पेंटिंग में नहीं कर सकते। और ये नया जो है ये एक न्यू टेक्निक। हाँ, ये न्यू टेक्निक नहीं है, ये 20th सेंचुरी का जो न्यू आर्टिस्ट हैं ये लोग सब इन्वेंट कर रहे हैं। तो हम जो आर्टिस्ट हैं हमें हमेशा ये रिसर्च करना पड़ता है, हमारे जो एनवायरनमेंट हैं, हमारे सराउंडिंग जो हैं, देश जो हैं, विदेश जो हैं, उन सब से हमें ये इंस्पिरेशन मिलता है।
देव श्रावण जी, अभी आप डूडो के बारे में बोल रहे हैं और ये जो चित्र है बहुत सुंदर और मिक्स मीडिया है, डूडो क्यों क्यों आपने इसका इतना जब मैं फूल का पेंटिंग कर रहा था हाँ। तो एक बार मेरे ध्यान में आया कि ये जो मॉरीशस का जो फ्लावर्स हैं, जो फ्रूट्स हैं, नेचुरल जो ट्रॉपिकल फ्रूट्स फ्लावर्स प्लांट्स हैं, इसे असेंबल करके एक फॉर्म देने को, तो मेरे ध्यान में हमारे जो नेशनल बर्ड जो हैं डुडु, उसको होमेज करने के लिए, उसे जीवित रखने के लिए, मैं हमारे जो इंस्पिरेशन थे फूल पौधे और फ्रूट जो हैं उसे असेंबल करके एक डुडु के रूप में दिया एक डुडु के रूप में। और जो डुडु जब मैं बनाया तो फूल से भी और कहीं पर दिखेंगे हमारे जो फ्रूट्स जो हैं ट्रॉपिकल फ्रूट्स हैं उससे भी डुडु को पेंटिंग की है, और कहीं पर दिखेंगे हमारे ये मनुष्य भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि इस पेंटिंग में दिख रहे हैं मनुष्य लोग। तो ये पेंटिंग जो है ये मैंने पेंटिंग किया था अबोलिशन ऑफ एस्क्लावाज जो है मॉरीशस में सेलिब्रेट कर रहे थे, तो उस अवसर के लिए इस डुडु में बता रहा हूँ कि जो हमारे जो उस समय जो स्लेव जो है वो लोग रहते हैं तो वो सब बंद थे, तो अबोलिशन जब कर रहे हैं तो चेन जो है वो टूट रहे हैं, तो आज़ाद हो रहे हैं। तो यहाँ पर डुडु में बता रहा हूँ कि हमारी आज़ादी जो स्लेवरी का है उसको आज़ाद मिला, तो डुडु के रूप में क्यों डुडु, क्योंकि ये मॉरीशस है, हमारे मॉरीशस में अबोलिशन ऑफ स्लेवरी मनाते हैं हर साल, तो उसके लिए मैंने बनाया। और कहीं पर देखेंगे डुडु में उसके शरीर में हमारे डांसिंग कलाकार दिख रहे हैं, नेशनल डांस जो है सिगा है, भरतनाट्यम है, बेली डांस है, यूरोपियन डांस है, ये सब मिलाकर डुडु के शरीर में मैं पेंटिंग किया हूँ। क्यों किया हूँ कि ये बनाना चाहता हूँ कि हमारे मॉरीशस देश जो है ये हम बहुत हार्मोनी में जीते हैं, बहुत से धर्म है, लोग हैं है। शांति से रहते हैं, तो यहाँ यूनिटी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। से अभी तक 2022 तक मैं मेरा पेंटिंग जो है कुछ बदला, अच्छा सिर्फ डुडु पर नहीं, मैं अलग अलग पक्षी पर पेंटिंग किया हूँ, जैसे कि केसरल है, पिक पिजन है, और ये पेरोके है, कातुवे हैं, और सिर्फ पक्षी नहीं लेकिन एनिमल पर भी, जानवर पर भी ये भी हम देख सकते हैं, हैं। हाँ। जैसे कि तोची हैं, टोटोइस, और ये जो है हिरण यह है, हिरण यह गौ माता है, गौ माता है, तो ये सब मेरा संदेश आता है मेरे पेंटिंग में कि हमें इसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, हमें इसे डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे जो वातावरण है, जो प्रकृति है, ये सब बहुत फॉर्म करते हैं इसमें, तो इसे हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। यहाँ पर देखते हैं जो देश काफ़ी प्रगति ना करने लगा, और देश जब प्रगति करने लगा तो आपकी सोच आपके विचार में भी कुछ ऐसे चित्र बनाए जो हमारे देश की प्रगति को दर्शाए, तो यहाँ पर कुछ अलग स्टाइल का होता है। हाँ, यहाँ इस पेंटिंग जब देखेंगे तो दिखाई दे रहा है डिजिटल, डिजिटल मैं ये बनाना चाहता हूँ कि ये टेक्नोलॉजी जो है मॉरीशस देश में काफ़ी प्रगति कर लिया, बहुत प्रगति की है, जो लोग अभी अभी हाल में जन्म लिए हैं बच्चे लोग वो लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ मॉरीशस जो है हम लोग शुरू किए थे सुगाकेन से, गन्ने का खेत से, हमारे जो पूर्वज लोग थे, हमारे बाप दादी लोग वो सब उसमें लगे थे, तो हम जो नई पीढ़ी लोग हैं वो लोग आईटी में ध्यान दिए, तो हम ये बताना चाहता हूँ कि मॉरीशस में आईटी में हम लोग बहुत से प्रगति किए हैं, सुगाकेन से यहाँ पर मॉरीशस में माइटी है, वीफी है, और मोबाइल है,
कैमरा है, डिजिटल कैमरा, ड्रोन है, ये बहुत आगे बढ़ गया है। यह एरोप्लेन भी आए हैं और मेट्रो भी आए हैं। तो ये सब मिलाकर मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे 50 साल के इंडिपेंडेंस में बहुत से प्रगति हुए हैं मॉरिशस में। हमें खुश होना चाहिए हमें कि हमारे देश पीछे नहीं है। हाँ, और प्रगति करता रहा है। तो इसी दौरान जैसे कि हमारे रिलेशन जो है चाइना से 50 साल हुआ है, तो उसके जो हमारे फ्रेंडशिप है मॉरिशस चाइना, इस के दौरान भी मैं एक पेंटिंग बनाया हूँ। दो दो ही में, दो दो नहीं है लेकिन वहाँ पर फ्रेंडशिप है, दो दो और पांडा। अच्छा, दो दो और पांडा, ये मॉरिशियन और चाइनीज फ्रेंडशिप जो रिलेशंस। देव जी, हमारे जो कलाकार हैं मॉरिशस में, मॉरिशियन आर्टिस्ट जो है, हमेशा वो बात करते हैं आसिसिया, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक एसोसिएशन है आर्टिस्ट लोगों के लिए। और ये आपके ये क्या मायने रखता है? एक्शन फॉर आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी आसिसिया जो है, ये एक मॉरिशस में एक संगठन है। संगठन है। तो जब मैं शुरू में बताया कि एक आर्टिस्ट को बहुत डिफिकल्ट मोमेंट था, तो मैंने सोचा कि अगर कुछ आर्टिस्ट जो हैं मिलकर एक एसोसिएशन बनाएंगे तो ज़्यादा पेंटिंग कर सकेंगे, कुछ और मीटिंग वर्कशॉप कर सकेंगे। तो 1985 में हमारे मित्र जो हैं दानेश्वर दुस्वा जी और कुछ आर्टिस्ट लोग मिलकर हम लोग ये एसोसिएशन बनाया था, एक्शन फॉर आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी। और 1985 में वो हम लोग रजिस्टर्ड किए यूनेस्को से, उसका सीट है पेरिस में, तो वहाँ पर हम लोग रजिस्टर्ड किए। और इस एसोसिएशन के द्वारा हम लोग बहुत से एक्टिविटीज़ और एक्टिविटीज़ किए हैं मॉरिशस में, और पेंटिंग में भी विदेश में भी हम लोग भाग लिए हैं। 2005 से मैं इस एसोसिएशन का प्रधान हूँ, प्रेसिडेंट हूँ। और जब से मैं प्रेसिडेंट हूँ लिया हूँ, तो बहुत से और एक्टिविटीज़ यहाँ मॉरिशस में किए हैं, जैसे कि वर्कशॉप हैं, पेंटिंग वर्कशॉप हैं, सैंड स्कल्पचर हैं, और ये सेकेंडरी स्कूल में आर्टिस्ट लोग हम लोग जाते हैं, वहाँ पर स्टूडेंट लोगों के साथ वर्कशॉप करते हैं, इंटरव्यू करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, और विदेश में भी हम लोग भाग लेते हैं। और जैसे कि हाँ, वहाँ पर भी प्रदर्शन, जैसे कि बीएनियल है, ट्रायनल है, कन्वेंशन है विदेश में, तो हमारे एसोसिएशन जो है वहाँ पर भाग लेते हैं। और मुझे बहुत से मौका मिला विदेश में भी जाने को, कि जैसे कि चाइना है और ये मलेशिया है, पेनांग है, और जैसे कि पेरिस है, मेक्सिको है, अलग अलग देश में मैं गया हूँ। अभी कितने आर्टिस्ट हैं आपके एसोसिएशन? हमारे एसोसिएशन में अभी लगभग 25 आर्टिस्ट हैं, और जो लोग आर्ट टीचर्स हैं और पेंटिंग भी करते हैं, और हमारे जो हर साल प्रदर्शनी करते हैं नेशनल आर्ट एग्जीबिशन, सब लोग भाग लेते हैं। देव जी, 40 साल पूरा हो गया है आपको इस क्षेत्र में, और शुरुआत से अब तक बहुत बहुत से जो चित्र है, बहुत चित्रकारी आपने प्रदर्शित की है, और बहुत करने वाले हैं, और आगे आपका क्या क्या योजना है, क्या करना चाहेंगे? और जहाँ तक मैं आया हूँ अभी, अभी तो ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो अभी मुझे और कुछ और सीखना आगे है, सफ़र तो आगे है। जब तक हम लोग मैं जीवित रहूँगा, मेरे साथ मेरे पेंटिंग ब्रश और कलर्स हमारे साथ रहेंगे, और इसे चलता रहेगा, मैं पेंटिंग करते रहेंगे, न्यू आइडियाज़ आएंगे, न्यू टॉपिक आएंगे, और न्यू जनरेशन के लिए ये भी मैं कुछ करना चाहता हूँ। और जो न्यू जनरेशन है उन लोगों को क्या बताना चाहिए? नई जो पीढ़ी लोग हैं वो लोग भी पेंटिंग करेंगे, सिर्फ डिजिटल नहीं, पेंटिंग में जो मज़ा है, जो शांति है, वो टेक्नोलॉजी में नहीं है। तो टेक्नोलॉजी के साथ चलना चाहिए,
लेकिन ये पेंटिंग जो है या स्कल्पचर जो है ये हाथ के द्वारा, हमारे हाथ जो है ये मन बुद्धि और शरीर के साथ आना चाहते हैं। तो आपको बहुत धन्यवाद देते हैं और जो आपने सोचा है, आपकी जो इच्छाएं पूरी हो और हमेशा आप आगे बढ़ते रहे। बहुत धन्यवाद। नमस्ते। धन्यवाद।